तारीख साज जलसा है, तारीख साज ग्राउंड है, मकसद भी तारीख साज है, ये जलसा भी तारीख साज होगा। और इस जलसे में हज़ारों की तादाद में 11 जमातों के कारकुन निकल आए हैं। और मुझे जो इल्म है वो हैदराबाद टूल प्लाज़ा से यहाँ तक अवामी अवाम है, शहरों शहर के मुख्तलिफ टाउन से, मुख्तलिफ नेबरहुड से भी लोग निकल पड़े हैं। और मकसद सिर्फ एक ही है कि इस हुकूमत ने जो अवाम के ऊपर यरगमाल बनी हुई है उस हुकूमत से निजात दिलवानी है। बिलावल की स्टेटमेंट के नवाज शरीफ को जनरलों के नाम नहीं उठाने चाहिए थे। देखें, उन्होंने नवाज शरीफ के लिए नहीं कहा, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। हम ऐसा ढांचा इस मुल्क में चाहते हैं जहां जनरल्स या फौज जो आइन में उसका दायरा है वहां रहें, सियासतदान जो उनका रोल है वो किरदार अदा करें, जजेस अपना किरदार अदा करें। जब एक दूसरे के रोल्स हम अपनाते हैं तो कंट्रोवर्सी होती है। मैं आर्टिस्ट भी हूं और मैं सियासी भी हूं, क्योंकि मैं कराची से इलेक्शन लड़ा हूं, आपको पता होगा कि ये तो अभी नुक्ता है, आगाज़ है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जब ये अपने उरूज को पहुँचेगा तब ये हुक्मरानों को पता चलेगा कि घबराहट असल में होती क्या है। इंशाल्लाह जहाँ से इमरान न्याजी के रुखसती के ताबूत में कील सिंध ठोकेगा और पंजाब से बड़ा कील हो। हम ये कहते हैं कि हम किसी एक शख्स का नाम नहीं लेते, हम ये कहते हैं कि जिनके कंधे पे बैठने की कोशिश करें वो इसे अपने कंधे से उतारें।